एवरीवन, आज हम अपने वेन डायग्राम के पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके अपना पार्ट वहीं रोक दिया था, जिसमें हमने रिलेशंस की बात की थी। 100% रिलेशन, 100% नो रिलेशन, मे बी सम रिलेशन और मे नॉट बी सम रिलेशन। आइए तो अब हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उन्हें सोल्व कीजिए। उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सबके सामने ये चार क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें सोल्व कीजिए और इन्हीं की पहले की तरह ही आपके पास 1.5 मिनट का समय है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मेल फादर ब्रदर, दूसरा क्वेश्चन फीमेल नर्स डॉक्टर, तीसरा क्वेश्चन सन मून स्टार्स, चौथा क्वेश्चन क्रिमिनल थीफ जजेस। आइए दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, तो अब इन्हें सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, मेल फादर और ब्रदर। मैं आपको इसके दो ऑप्शन देता हूं और फिर नीचे चार ऑप्शन दूंगा, आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या ऑप्शंस टिक किए हैं। मेल फादर ब्रदर, मेल फादर ब्रदर। अब इसके सब ऑप्शंस A1, B2, C none of the above, D both। तो डिस्कस करते हैं इसमें इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। मेल फादर और ब्रदर, पहले आप ये सोचें कि फादर और ब्रदर दोनों होते क्या हैं, मेल। तो यहाँ से हमें ये क्लैरिटी तो हो गई कि इन दोनों की रिलेशन मेल के साथ तो होगी होगी, किसी के पिताजी फीमेल भी हैं क्या, यहाँ से हमारे कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि जो फादर और ब्रदर हैं वो उनका आपस में क्या रिलेशन है। फादर और ब्रदर का आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? जब हमने बात की कि मेल के अंदर तो फादर और ब्रदर आ गए, बट हाँ यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं शो किया, यहाँ पर मे बी सम और मे बी नॉट, तो हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट। रीजन बता देता हूँ उसका क्या होगा, कि जो पिता है वो किसी का भाई भी हो सकता है, जैसे कि आपके पिताजी हैं वो आपके अंकल के ब्रदर होंगे, और जो कोई ब्रदर है वो किसी का पिता भी हो सकता है, आपका कोई भाई होगा उसके बच्चे भी हो सकते हैं, इसीलिए आपस में इन दोनों की रिलेशन होगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 हुआ करेक्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, फीमेल नर्स एंड डॉक्टर। अब इसमें मैं आपको दो ऑप्शन फिर से दूंगा, पहला मैं ऑप्शन जो दूंगा वो होगा, आप लोगों ने उसमें, मैं 80% बोलता हूँ, आप लोगों ने वो टिक किया होगा। पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो फीमेल नर्स और डॉक्टर, आप लोगों ने ये ऑप्शन टिक किया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन में हम इसके करते हैं कि फीमेल्स, क्या सभी फीमेल्स डॉक्टर होंगी? नहीं, कुछ फीमेल हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है, तो यहाँ हमारा ये हाफ पोर्शन तो कंप्लीट होता है, मे बी सम और मे बी सम नॉट। अब बात करते हैं नर्स और फीमेल की, यहाँ पर आप लोगों ने जो ये ऑप्शन किया है कि नर्स हाँ हो सकता है फीमेल होंगी, तो वो ये पोर्शन हो गया, बट बाकी जो नर्स हैं वो फीमेल क्यों नहीं है, यानी कि वो मेल हुए। ये आंसर आपके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आजकल अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम यही चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ पर मेल बॉय भी होते हैं जो नर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों का ये आंसर हुआ ठीक, लेकिन इसका रीजन होगा अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंड, बट अगर हम SSC, DSSB, PRT, DAS, क्लर्क, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की, LDC की बात करें, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, कौन से ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, तो वो होगा हमारा
फीमेल, वो सभी नर्स को फीमेल मानता है, उसके लिए जो भी मेल है वो नर्स का काम नहीं करता, मेल को वो प्रोहिबिट करता है, और जो नर्स है वो डॉक्टर नहीं हो सकती, जो डॉक्टर है वो नर्स नहीं हो सकती, बट फीमेल डॉक्टर हो सकती है और डॉक्टर भी फीमेल हो सकता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ये। अब इसमें एक दूसरी अच्छी बात क्या है, कभी कोई भी एग्जामिनर हमें ये ऑप्शन देगा ये नहीं देगा, अगर ये दिया तो ये नहीं देगा, अगर ये दोनों देता है तो ऑप्शंस की वैल्यू क्या होती है, हमें इसमें ऑप्शंस के साथ जाना है, ये दिया हुआ है तो ये ए ऑप्शन, नहीं दिया हुआ तो बी ऑप्शन, अगर दोनों ही दिए हुए हैं तो उसमें हमें दोनों ही ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे, और कोई भी एग्जाम हो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, सन मून एंड स्टार। मैं पहले वो ऑप्शन बनाता हूं जो सही है, सन मून स्टार। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा सही ऑप्शन, और जो आप लोगों ने ऑप्शन बनाया होगा अब मैं उसे बनाता हूं। ये हुआ हमारा स्टार, ये हुआ हमारा सन, और ये हुआ हमारा मून। तो अब इसमें और इंटरेस्टिंग बात, पहले मैंने कहा ये ऑप्शन सही है ये गलत है, बट इन एक्चुअली हमारा ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। ये हुआ हमारा सन, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सन इज़ अ स्टार, तो हम सन को स्टार से अलग कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमारा सन स्टार के अंडर होगा 100% रिलेशन में, और मून स्टार नहीं होता इसलिए इनकी हुई आपस में 100% नो रिलेशन। समझे दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारी डे टू डे लाइफ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो वो रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे फेवरेट बनाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा क्रिमिनल थीफ एंड जजेस। अब बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल की, फिर हुआ हमारा थीफ जो सही ऑप्शन आप लोगों ने बहुत सोच के बनाया होगा, और जजेस, ये हुआ क्रिमिनल, ये थीफ, जजेस, जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, उसका रीज़न सुन लीजिए। रीज़न क्या है, थीफ क्राइम करता है तो इनमें आपस में रिलेशन हुई डेफिनेटली, बट जजेस क्रिमिनल थीफ हो सकता है या नहीं हो सकता, हम डेली न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, अभी रिसेंटली में भी हमारे साथ हुआ कि जजेस ने भी ब्राइब ली तो उन्होंने क्राइम किया एक, बट अगर हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जजेस एक सेपरेट क्लास है जो क्रिमिनल और थीफ से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, क्रिमिनल थीफ क्रिमिनल में आता है तो क्रिमिनल के अंडर आएगा, यानी कि 100% रिलेशन में, और जब हम जजेस की बात करेंगे तो जजेस कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे, यहाँ पर होगी इनके साथ नो 100% रिलेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा रीजनिंग के जो मेन कंसेप्ट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। एक बार मैं आपको इनका ब्रीफिंग, ये था पहले क्वेश्चन के तरीके से समझाया जाए, अब मैं आपको इनकी डिटेलिंग करके दे देता हूँ कि ये किस तरीके से हमें याद रखे जाएं या हमें अपने दिमाग में बिठाया जाए। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि प्रोफेशंस कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें प्रोफेशंस की बात करते हैं तो वो हुआ हमारा डॉक्टर, लॉयर, जजेस, इंजीनियर, टीचर, इन सभी के पास अपनी अपनी डिग्री होगी, यानी कि प्रोफेशन की जब हम बात करेंगे तो डिग्री की बात की जाएगी। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन आपके साथ यहाँ टीचर का डिस्कस करना चाहता हूँ, सबसे ज़रूरी रहेगा ये। इसमें हमें एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ह्यूमन बीइंग्स, टीचर और ग्रेजुएट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए,
सभी टीचर्स ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो ये हुआ हमारा ह्यूमन बीइंग का। ग्रेजुएट और टीचर, हम सोचते हैं कि सभी टीचर ग्रेजुएट होंगे, बट ऐसा नहीं है। हमारे टीचिंग में आता है एक एग्ज़ाम JBT का, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 12th। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा सही आंसर जो बनेगा वो हमारा आंसर होगा ह्यूमन बीइंग्स, टीचर और ग्रेजुएट। टीचर ग्रेजुएट हो भी सकता है और नहीं, जैसे कि JBT जिसमें सिर्फ 12th क्लास की ही ग्रेजुएशन मांग वो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन हुआ गलत और ये ऑप्शन हुआ ट्राई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब हम इसमें बात करते हैं दूसरे एक पॉइंट की। इसमें हमारा पॉइंट आएगा एंटी सोशल एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर। जो भी बुरे तत्व होंगे या कि बुरे लोग होंगे हमारी सोसाइटी में, वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं थीफ, मर्डरर, चेन स्नैचर, और आपको जो भी आगे पता हो वो सब हमारे आपस में इंटर रिलेटेड होंगे। उनका चार्ट इस तरीके से बनेगा थीफ, मर्डरर, चेन स्नैचर और भी कोई चीज़ आए आपके पास, और ये सब चीज़ें हमारी इंक्लूडेड होती हैं क्रिमिनल्स के अंदर, क्योंकि ये सब क्राइम करते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हुआ हमारा इसका दूसरा पॉइंट, जो भी बैड एलिमेंट्स होंगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि प्रोफेशनल्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगी अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था जजेस, क्रिमिनल और थीफ, तो वहाँ पर जजेस का एकदम सेपरेट हमने सर्कल ड्रॉ किया था। इसी तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट्स का क्रिमिनल, थीफ और ये हुआ जजेस। एक जजेस एक प्रोफेशन है और ये दोनों एक एंटी थीफ हैं, मतलब क्रिमिनल और थीफ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए इन दोनों का अलग बना। ये हमारे इसमें तीन पॉइंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुए। यहाँ दोस्तों हमारा ये वेन डायग्राम का पोर्शन भी ख़त्म होता है। अब मैं आपको इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सोल्व कीजिएगा। उन्हें सोल्व करने के बाद आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में इनका आप मुझे आंसर का पिक क्लिक कर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डिटेल्स में जा सकते हैं चैनल के, वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी होगी, वहाँ पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।